फ्रेंड्स टू माय चैनल, आपको पता होगा कि पोको M2 प्रो को एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिला था। पहले जब 5% यूजर को दिया, फिर 10 को, फिर 20 को, 35 को, फिर 50 को, अब ऑलमोस्ट सभी यूजर्स को जो मिल गया है। तो इन्होंने काफ़ी न्यू फीचर दिए थे इसमें। मैं ये वीडियो फीचर्स पर पहले बना चुका हूँ, तो ये वीडियोस मैं बग के लिए बना रहा हूँ जो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है पोको M2 प्रो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं 2-3 न्यू फीचर भी बताऊंगा जो मैंने डिस्कवर किए हैं। फ्रेंड्स, इस आदमी ने काफ़ी बार वॉर्न किया था, ये अनु शर्मा है पोको के कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए। तो इन्होंने काफ़ी बार वर्डली वॉर्न किया था ऐसे कि पोको टेस्टर नहीं मिल रहे हैं इनको, MI पाले टेस्टर नहीं मिल रहे हैं, पोको M2 प्रो के लिए टेस्टर नहीं मिल रहे हैं, ऐप सेट नहीं सही बैठ रहा किसी का, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, यूज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि इनको पता था एंड्रॉइड 11 डेफिनेटली सम यूज़र्स के लिए अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि अब ऐप सेट डिफरेंट आ गया, क्रिप्टो वगैरह आ गई हैं, तो इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि पोको M2 प्रो के लिए ये अपडेट सही नहीं जाएगा, काफ़ी बग्स आएंगे कि कोई सिस्टम तो चलेगा ही नहीं। तो इन्होंने अगर ये MIUI 12.5 दे देते तो पोको M2 प्रो किसे यूज़ का नहीं रहता, इतने बग्स आ जाते। तो अभी इन्होंने पहले एक अपडेट दिया था एंड्रॉइड 11 का, अब उसके बग्स फिक्स करने के लिए एक और अपडेट दे रहे हैं 12.0.1.1 का। तो होप उसमें सभी बग्स फिक्स हो जाएंगे और उसके 1 मंथ के अंदर अंदर हमें 12.5 मिल जाएगा देखने को। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बग्स इसमें कौन कौन से जो देखने को मिलने को मिले मुझे। फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस थोड़ा लैगी हो गया है, तो ये देखिए अभी लैग कर गया। तो ये एनिमेशन फास्ट तो हो गए हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी लैग कर जाते हैं, बहुत लैग करते हैं, छोटा मोटा नहीं फ्रेम स्किप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं कि पोको M2 प्रो उनका हीट कर रहा है और ड्रेनेज, बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा हो रही है, तो हीटिंग और बैटरी स्लो चार्जिंग का इशू आ रहा है एक। फ्रेंड्स, कुछ यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पोको M2 प्रो में नेटफ्लिक्स नहीं वर्क कर रहा है, योर डिवाइस इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस वर्जन, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सेफ्टी नेट स्टेटस फेल्ड आ रहा है पोको M2 प्रो के लिए, लेकिन अगर मैं अपने में टेस्ट करूं तो मेरे में ये ठीक ही बता रहा है। कुछ यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं उनके सेंसर्स नहीं वर्क कर रहे हैं, तो जैसे लाइट सेंसर हो गया, जायरोस्कोप सेंसर हो गया, तो ये उनके वर्क नहीं कर रहे हैं गेम के टाइम। या ये लाइट सेंसर मेरा नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन जब मैंने रीस्टार्ट किया तो ये वर्क करने लगा था, ये कांस्टेंट हुआ पड़ा था ये। तो इसके साथ मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था, कॉलिंग जब होती है तो मेरा माइक नहीं वर्क करता, लेकिन जब मैं स्पीकर पर डाल देता हूँ कॉल तो मेरा माइक वर्क करने लगता है। तो ये कुछ इशू आ रहे हैं सेंसर की साइड पर। ये नेविगेशन बार एक यूज़र का ग्रीन हो गया था, जैसे मेरे वाइट स्ट्रिप आ रही है जहाँ पर, ये भी नहीं आनी चाहिए थी, तो ये बग है एक, तो इन्होंने अभी तक ये इसका फिक्स नहीं किया कुछ। गैलरी ऐप है थोड़ी बगी हो गई है, ये वीडियो प्लेयर आप नीचे देख सकते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, ये लास्ट पर अड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो अभी बाकी है, ये फुल हो गया है लेकिन वीडियो अभी बाकी है। फ्रेंड्स, अपडेट के बाद इन जो कस्टम यूज़र सेटिंग होती थी वो डिफ़ॉल्ट पर सेट हो गई है, जैसे शेड्यूल डार्क टाइम या सनसेट टू सनराइज हो गया था, लेकिन मेरा कस्टम था तो ये एक प्रॉब्लम थी। उसी के साथ कलर स्कीम जो होती है ये सेंटर में आ गई थी, मेरी कस्टम नहीं रही थी, तो इसी के साथ साउंड के साथ भी ऐसा ही होता था, जो मेरी रिंग टोन थी वो डिफ़ॉल्ट पोको की रिंग टोन पर आ गई थी, तो ये कुछ इशू थे इसके साथ। आप ये देख सकते हैं, मैंने ट्विटर पर ये एक ट्वीट देखा था कि यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका पोको M2 प्रो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है विदाउट एनी टच। तो गाइस, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, इसलिए मैं ये कह रहा था, दिखा रहा हूँ अभी आपको वीडियो, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो यहाँ ट्विटर पर है, ये पोको M2 प्रो ही है, देख सकते हैं आप। कुछ ऐप मुझे री वेरीफाई करने के लिए कह रही थी UPI या मेरा लॉगिन नंबर,
जैसे पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, HDFC बैंक हो गया, पेज़ैप हो गई। पेज़ैप तो ये कह रही थी आपका डिवाइस ही नहीं है, आप पहले आप दूसरे डिवाइस पर थे, अब उसमें से पहले डी रजिस्टर कीजिए तो हम जहाँ UPI रजिस्टर करेंगे आपका। लेकिन मेरा यही डिवाइस था तो ये ऐप ही फेल हो रही है रिकॉग्नाइज करने में। ये ऐप का इशू भी हो सकता है, कई ऐप्स ने ऐसा किया, कई ने नहीं किया। फ्रेंड्स, जो ये कर्सर है काफ़ी बार फ्रीज़ हो जाता है तो ये वर्क नहीं करता, 2-3 सेकंड के लिए ये फ्रीज़ हो जाता है, ये एक बग है। यूज़र रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो हेडफोन उनके डिस्कनेक्ट हो ही जा रहे हैं पोको M2 Pro में। तो मैं ये छोटे से तो नहीं कह रहा सकता, काफ़ी यूज़र ने रिपोर्ट किया तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये एक और इशू था बैटरी का, डिसकनेक्ट होता था, कनेक्ट डिसकनेक्ट। एंड्रॉयड और जी बोर्ड के जेस्चर्स हैं वो क्लैश कर रहे हैं इसमें पोको M2 Pro में, अभी ये ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं तो इसलिए आप एक के टर्न ऑन कर सकते हैं एट अ टाइम, अदरवाइज ये क्लैश करेंगे और एक जुमला सा क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने फ़ोन लिया है, पहली बार हुआ था मेरे साथ के सिस्टम नोट रिस्पोंडिंग। एक तो होता है लॉन्चर नोट रिस्पोंडिंग, ये पहली बार मेरे साथ हुआ था कि सिस्टम नोट रिस्पोंडिंग, तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगा था। एंड्रॉयड के जेस्चर्स हैं वो थर्ड पार्टी लॉन्चर्स में वर्क नहीं कर रहे हैं, काफ़ी यूज़र्स ने ये रिपोर्ट किया इशू। तो स्लो देखिए, ये इग्नोर एक्सीडेंटल टच ऑन दी एजिस, ये ऑप्शन आती है गाइस, ये पहले नहीं आती। जे नॉर्मल जे आपने एनिमेशन यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये फीचर प्लान कर रहे होंगे अगली अपडेट में, तो ये अभी हिडन है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी नहीं आता नॉर्मली एडिशनल सेटिंग में, ये भी आ रहा है। जो ऐप डाटा होता है एंड्रॉयड का वो अभी एक्सेसिबल नहीं है एंड्रॉयड 11 में। जैसे आप पहले इस इंटरनल स्टोर में जाते थे, एंड्रॉयड में जाते थे, डेटा में जाते थे, जहाँ काफ़ी कुछ होता था ऐप का डेटा, जहाँ मेंशन हुआ करता था, लेकिन अब जो इन्होंने एंड्रॉयड 11 में हाइड कर दिया है, इसमें वाईफाई और वाईफाई हॉटस्पॉट सेम टाइम पर ऑन कर सकते हैं एंड्रॉयड 11 में पोको M2 Pro में, पोको M2 Pro में, जिससे आप ओनली दिस टाइम परमिशन दे सकते हैं। ये परमिशन में देने का तरीका थोड़ा ईजी कर दिया है, थोड़ा प्राइवेसी फोकस्ड हो गया है। मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था लास्ट वीडियो में पोको M2 Pro की, कि वाईफाई डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है जहां पर, तो इसके लिए आपको GPS ऑन करना पड़ता है, तो ये अवेलेबल हो जाता है।